आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो रहेगा सीरिए और टोरिनो के बीच में जो होगा, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा मैच ये ठीक भी लग रहा है, ठीक है। अब इसका हम एनालाइज करते हैं और टीम बनाएंगे, ठीक है भाई। टोरिनो और वेरोना, टोरिनो पहले लिखा हुआ था, इसका मतलब टोरिनो अपने होम पर खेल रही है, वेरोना अवे में खेल रही है, ठीक है। टोरिनो ने इस लीग में अभी तक 6 मैच खेले हैं इस सीज़न, पॉइंट टेबल पर 11वें नंबर पर है, ठीक है। और इसने 6 मैच में 6 गोल मारे हैं, 7 कंसीव करे हैं, इसका मतलब एक गोल पर मैच मारा भी है और एक गोल पर मैच कंसीव भी किया है। लेकिन अभी मैं इसके जो आज होम पर खेल रहे हैं तो केवल लास्ट के 3-4 मैच देखे हैं इसके जो होम पर खेले हैं, उनका एनालाइज करेंगे। सबसे पहले रोमा के खिलाफ खेला था लास्ट मैच, उसमें 1-0 भाई इसका स्कोर रहा। और भाई रोमा के खिलाफ 1-0 स्कोर रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस टाइम जो रोमा है वैसे शुरू से ही बेटर है, लेकिन अभी अटैक वाइज थोड़ा ज़्यादा बेटर है रोमा। और पोजीशन देख लो आप, टोरिनो ने 41% रखी, इसने 59% रखी रोमा ने, लेकिन शॉट्स भाई टोरिनो ने ज़्यादा मारे होम पर, 4-3, मतलब रोमा ने 3 मारे, टोरिनो ने 4 शॉट्स मारे, ठीक है। गोल जो किया था वो जपाटा ने मारा था, असिस्ट आई इलिक ने दिया था, ठीक है। उससे अगला मैच जियोना के खिलाफ होम पर खेली, उसमें भी स्कोर 1-0 रहा, पोजीशन 63% रखी, शॉट्स 3 मारे 2 खाए, मतलब यहाँ भी शॉट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। उससे अगला कागलियारी, भाई कागलियारी जैसे रोमा है ना बेटर टीम, ऐसे ही कागलियारी है, ठीक है। अभी इसके खिलाफ भी भाई 0-0 रखा, मतलब होम पर लास्ट 3 मैच में एक भी गोल नहीं खाया है, ठीक है। और शॉट्स 2 मारे 2 कंसीव किए, पोजीशन 58% रखी, मतलब लास्ट में से लगभग इसमें भी थोड़ा ही कम थी, ज़्यादा नहीं थी कम पोजीशन, लेकिन पोजीशन भी अपने पास ही रखी। अभी इस मैच को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक गोल तो कम से कम टोरिनो मार ही देगी, एक गोल कम से कम टोरिनो मार ही देगी। अभी इसकी जो पोजीशन है प्लेयरों की लास्ट मैच में जो खेली थी उसी के अनुसार देख लेते हैं हम। डी जपाटा नंबर 9 खेल रहे थे, लेकिन भाई लास्ट मैच में थोड़ा जल्दी सब्स्टिट्यूट हो गए थे 60 मिनट के आसपास, ठीक है। और जो इसका लेफ्ट विंगर रहा ये सानाबीरिया, और दूसरा एनविलानसिक, भाई एनविलानसिक भी अच्छा अटैकर है, एक मिडफील्ड में दिया हुआ है लेकिन अटैकर है, ठीक है। और इसका जो मिडफील्डर है वो एसरी की तमीजे मिडफील्डर है ये, लेकिन तमीजे मुझे ज़्यादा खास नहीं लग रहा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट 60 मिनट के आसपास सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। और बेलानोवा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है इस मैच में, क्योंकि अगर जियोना ने लास्ट में गोल मारा तो क्लीन शीट के भी पॉइंट देके जा सकता है। वी लजानो मिडफील्ड में है और ये थोड़ा डिफेंसिव भी खेलता है, ठीक है। बाकी 3 डिफेंडर पीस्कर्च, रोड्रिगीज, और इसका जो गोलकीपर है वी मिलिंको सेविक, ठीक है। ये पोजीशन रहने वाली है इसके प्लेयरों की। अब विरोना देख लेते हैं भाई, विरोना ने भी 6 मैच खेले हैं, पॉइंट टेबल में 14वें नंबर पे है, 4 गोल मारे हैं 6 खाए हैं, इसका मतलब एक गोल से भी कम पर मैच मारा है और एक गोल कम तो कंसीव किया है, पर मैच कंसीव किया है, इसका मतलब एक गोल मुझे ऐसा लग रहा है कि टोरिनो आराम से मार देगी, ठीक है। दूसरा मिलान से लास्ट मैच खेली थी, 1-0 भाई अवे में, 1-0 मिलान के सामने, मुझे स्कोर लगता है कि मिलान को कम से कम 2 गोल मारने थे लेकिन 1 मारा, कोई बात नहीं। पोजीशन 55-45, मतलब 45% अपने पास रखी थी मिलान के सामने, और 2 शॉट्स मारे थे ससुलो के सामने भाई, 3-1 हारी थी। देख लो मैं कह रहा था भाई मिलान को भी कम से कम 2 गोल मारने थे, लेकिन ससुलो ने 3 मारे, पोजीशन कम थी इसने ज़्यादा रखी, शॉट 7 मारे ससुलो ने, ठीक है। लास्ट इसने 1 गोल मारा था लेकिन वो सी नगोंगे ने मारा, असिस्ट फेरोने ने दिया, ठीक है। उससे अगला मैच इम्पोली के सामने 1-0 रखा, पोजीशन 53%,
शॉट्स 4-4, इसका मतलब शॉट्स ठीक ठाक ये भी मार देती है, पोजीशन भी ठीक ठाक रखती है, लेकिन एफ बोनाजोली ने गोल भी किया। ठीक है, अभी इसके जो अटैकर हैं इससे लगता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि एक गोल तो ये कम से कम मार ही देगी, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन गोल कंसीव डेफिनेटली करेगी। टोरिनो थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। अभी इसके प्लेयरों की पोजीशन थी, नंबर 9 खेला ए फोजन फोनाजोली, फिर एम फोनोसो नगोंगे, टी टेरासियनियो ओडुडा, एम होंगला फेरोनी। भाई ये ओडुडा थोड़ा ज़्यादा मिनट खेलता है और एम होंगला फेरोनी थोड़ा कम मिनट खेलता है। ठीक है, अगर फेरोनी डिफेंडर में है तो लेना बनता है, ऐसा हो सकता है कि गोल 1-1 स्कोर हो जाए और लास्ट में सब्स्टिट्यूट हो जाए और क्लीन शीट दे जाए। ठीक है, लेकिन अभी मैं जो आपकी मेरी जो मुझे जो प्रिडिक्शन है वो मुझे लगता है कि टोरिनो 2 गोल मारेगा कम से कम और जियोना 1 गोल मार देगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है टोरिनो 2-0 से भी जीत सकती है आराम से। ठीक है, अभी मेरी जो सेफ टीम है वो ये रहने वाली है भाई, मेरी सेफ टीम ये रहने वाली है। मैंने जपाटा को कैप्टन किया है, विलानसिक को वाइस कैप्टन, क्योंकि मैं कम से कम 2 गोल तो इससे मान के ही चल रहा हूँ, मेरी 2-1 की प्रिडिक्शन है और एफ बोनाजोली मेरा नंबर 9 है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आप दगोंगे को भी ले सकते हो, लेकिन ये मुझे ज़्यादा सेफ लग रही है। विलाजानो लिया है मैंने मिडफील्ड में, टैकल इंटरसेप्शन के भी पॉइंट देगा। ओडुडा भाई मिडफील्ड में खेल रहा, थोड़ा अटैक में भी आता है, ये थोड़ा अटैकिंग खेल रहा है फॉलो रूसो, इसलिए मैंने लिया है। बेलारोमाना ऐसे लिया है मैं, इसलिए लिया है मैंने, अगर जियोना ने वो विरोना ने 55 मिनट के बाद गोल मारा तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि 60 मिनट के आसपास, और ये तुम्हें एक क्लीन शीट के पॉइंट दे सकता है। ठीक है, और थोड़ा अटैक में भी आता है, असिस्ट के भी चांसेस के। पीसकर्च रोड्रिगेज मुझे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। ठीक है, ये सनाबेरिया की जगह आप ओडुडा को हटा के यहाँ कुछ और भी ले सकते हैं। मेरी ये सेफ टीम है, थोड़ा सा जीएल टीम अगर आप देखोगे तो ये हो सकती है। जीएल टीम के लिए मैं आपको टिप्स दे देता हूँ थोड़े से, कहाँ गए, जीएल के लिए भाई कहाँ गया मैच मेरा, इसमें आप कर सकते हो कि भाई 1-1 मान के चलो, अगर तो बेलारुम्मा को हटाओगे यहाँ से और बेलारुम्मा की जगह ये बोनारुम्मा को ले लोगे, पोजीशन मेरे हिसाब से यही रखने वाली है। फुलुसुकी की जगह आप ले सकते हो, और डूडा तो लेना ही है, लेकिन मैं इधर से लूँगा अपना लजानो, एक प्लेयर और था कहाँ गया अपना, इधर से सनाबारिया को हटा के नोंगे, फोनाजोली नंबर 9 है, रडोंजिक खेलता तो रडोंजिक को डायरेक्ट ले लेना है। ठीक है, और इधर से आएगा अपना डीसेक भी खेलता है तो डीसेक थोड़ा अटैकिंग है एमरीकी, और कैप्टनसी आप इधर से एन विलानसिक को और वाइस कैप्टनसी डी जपाटा को दे सकते हो। ये आपकी जीएल टीम हो सकती है, और अगर ये चल गई ना भाई तो आपको कम से कम नंबर 10 के अंदर ही आ सकते हो आप, मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है टीम। ठीक है, धन्यवाद।